पतंजलि काऊ मिल्क गाय का शुद्ध दूध। ऐसे तो मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो गाय के शुद्ध दूध का वादा करता है, बिना मिलावट का वादा करता है, पर क्या ये सही है? ऐसे दो ब्रांड जो है वो काफी फेमस है, एक है अमूल दूध और एक मदर डेयरी। पर क्या वो लोग सही दूध देते हैं? क्योंकि दूध एक ऐसी पदार्थ है, ये हॉल फूड है, सुपर फूड उसको बोल सकते हैं। दूध पी करके हम सालों तक जिंदा रह सकते हैं। एक दूध एक कंप्लीट आहार है। इसमें दूध में मिल्क में क्या नहीं, गाय के दूध में ईश्वर का वरदान है, अमृत है गाय का दूध। और इसमें सारे विटामिन्स, कैल्शियम, मिनरल, जितने मिनरल्स हैं, चाहे कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, जिंक हो, सब इस दूध में, गाय के दूध में। और ये हमारे शरीर के लिए भी बहुत जरूरी है। शरीर का विकास नहीं होगा दूध के बगैर। दूध के बगैर हम लोग अपनी जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो दूध पीना चाहिए, किसी न किसी रूप में लेना चाहिए। इससे इसका जो मिनरल है, कैल्शियम है, हमारे हड्डियां मजबूत करते हैं, हमारे दांतों को मजबूत रखते हैं, हमारा शरीर इससे विकसित होता है। तो किसी न किसी रूप में ये मिल्क प्रोडक्ट लेना चाहिए। ये पतंजलि का है। पतंजलि कुछ हो मगर इसमें मिलावट का नामो निशान नहीं है। और ये अपने किसानों को वाजिब दाम देते हैं। इनका खुद का गौशाला है देहरादून में, और बहुत सारे शहरों में इनका खुद खुद का गौशाला है, जहां अपना गायों का दूध ये पैकिंग कर कर करके हम सब तक पहुंचाते हैं। और बहुत सारे किसान बाबा रामदेव से जुड़े हैं, उनको भी ये फायदा होता है। तो ये किसानों को भी फायदा है। ये प्लांट बेस नहीं है, ये काऊ बेस है, गाय का शुद्ध दूध है। बाकी दूध बहुत तरह प्रकार के होते, सिंथेटिक्स होते, कोकोनट मिल्क होते, प्लांट बेस होते, आलमंड मिल्क होते, मगर ये सिर्फ और सिर्फ गाय का दूध है। तो कहीं भी अगर आपको एक गाय का दूध मिले, अपने घर में जरूर लाएं और अपने बच्चों को, अपने परिवार को जरूर दें। गाय के दूध में अगर हल्दी मिला कर करके पिए तो शरीर इतना मजबूत होगा। उसमें शिलाजीत मिला लें, हल्दी मिला लें, गाय का घी मिला करके रात में अगर एक गिलास दूध पिए तो आपको सारे विटामिन्स, मिनरल, सब कुछ आपको शरीर की जो जरूरत है वो आपको मिलेगा। आपको कुपोषण का शिकार नहीं बनेंगे। तो पतंजलि का दूध अपनाइए और अपने और अपने परिवार को स्वस्थ रखिए, क्योंकि स्वस्थ रहना हमारा धर्म है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।